सो दोस्तों ये है 2020 की द न्यूली लॉन्च रॉयल एनफील्ड 350cc BS6 वेरिएंट। जी हाँ, अब आपको रॉयल एनफील्ड में एक न्यू ऑप्शन मिल रहा है 2020 में। जैसे आप सबको पता कि सारी व्हीकल्स अब BS6 वेरिएंट में आ रही हैं, तो रॉयल एनफील्ड ने भी अपनी जो मोटरसाइकिल है उसको BS6 वेरिएंट से लॉन्च कर दिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है एक स्टेल्थ ब्लैक कलर, जो कि आपको एक न्यू कलर मिलेगा 350cc सेगमेंट में, जो कि आपको पहले नहीं मिलता था। सो इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें खास हैं जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो बताऊँगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट के बारे में। ये जो बाइक लॉन्च हुई है, इसकी जो कीमत रखी गई है वो रखी गई है अराउंड 1.65 लाख ex-showroom कीमत से ये मिलती है। और ये आपको जो ऑन रोड प्राइस है वो हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंजेस होते हैं। सो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके इसका ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ चेंज के बारे में, सो इसका एक बहुत ही न्यू कलर ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, जो कि स्टेल्थ ब्लैक, जिसमें आपका रेड कलर के हाईलाइट्स देखने मिलते हैं। जैसे कि आप इस मोटरसाइकिल में देख रहे हैं, किस तरह से इसके अलॉय व्हील में भी आपको हाईलाइट्स देखने मिल रहे हैं, इसके फ्यूल टैंक में भी देखने मिल रहे हैं, बहुत सारी जगह पर आपको रेड कलर के हाईलाइट्स देखने मिलेंगे। उसके अलावा मैं बात करूँ तो अब इस मोटरसाइकिल में आपको अलॉय व्हील देखने मिलते हैं, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर का भी ऑप्शन देखने मिलेगा, जो कि आपको जो BS4 वाली वेरिएंट में उसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलता था, साथ आपको ट्यूबलेस टायर भी नहीं मिलता था। लेकिन अब आपको BS6 वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको ट्यूबलेस टायर देखने मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं किस तरह से दिखने में शानदार है। और ये BS4 वेरिएंट से भी ज़्यादा शानदार दिखने में ये मोटरसाइकिल अब लग रही, क्योंकि ये स्पेशली इसका जो ब्लैक कलर, ब्लैक विद रेड का कॉम्बिनेशन है, बाइक को काफ़ी ज़्यादा एक न्यू ट्रेंड के तौर पर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक यहाँ पर देखने मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक बहुत ही अल्टीमेट फीचर आया है, वो है इसका EFI वेरिएंट। जी हाँ, अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने मिलता है, जो कि आपको पहले इससे BS4 वेरिएंट वाले में आपको कार्बोरेटर देखने मिलता था, पर अब इसमें आपको EFI देखने मिलता है, जिसके कारण जो ठंडियों में गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होती थी वो अब आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अब EFI हो गया है, तो जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी और साथ साथ आपको माइलेज वगैरह भी यहाँ पर अच्छा मिलेगा। अगर हम बात करें इसके माइलेज के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी क्लेम है कि आपको 40 तक का माइलेज दे देगी, मतलब अगर आप 1 लीटर इसमें फ्यूल भराते तो आपको 40 किलोमीटर की पर लीटर की यहाँ पर आपको माइलेज मिल जाएगी। और अगर हम बात करें इसके पावर रेशियो के बारे में, तो यहाँ पे अभी इस मोटरसाइकिल का जो पावर है वो 20 PS की पावर है, और यहाँ पे आपको जो टॉर्क मिल रहा है वो अराउंड 28 Nm का यहाँ पे आपको टॉर्क देखने मिलेगा। यहाँ पे आप लोग उसका कलर स्कीम देख सकते हैं किस तरह से, यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है वो पूरी तरह से ब्लैक है, कंप्लीटली ब्लैक है। यहाँ पे फेंडर्स का ब्लैक है, फ्यूल टैंक ब्लैक है, और इसका इंजन का नीचे वाला पोर्शन भी आपको यहाँ पे ब्लैक देखने मिलेगा। ये जो मोटरसाइकिल है, ये जो रॉयल एनफील्ड की 500cc के जितने सेंसर थे वो अब आपको 350cc में मिलेगा, जैसे ऑक्सीजन सेंसर मिलेगा, और ये आप लोग जो देख, ये है बेसिकली कैटेलिक कन्वर्टर, जो कि आपका जो पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम करता है। और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से उसको कैनिस्टर के ऊपर इसको यहाँ पर प्लेस किया गया है। यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट भी सेम पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है, और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसका EFI का जो पोजिशन है ये आपको देखने इसमें मिल रहा होगा। सो ओवरऑल मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड की गई है। और यहाँ पर अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया 1.65 लाख ex-showroom में इसकी कॉस्ट है, जो कि पिछले BS4 वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो 11 से 12000 रुपए का आपको यहां पर डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहां पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही, जैसे कि यहां आपको अलॉय व्हील देखने मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर हो गया, EFI मिल गया, और बहुत ही अन्य न्यू सेंसर भी आपको अब इस मोटरसाइकिल में देखने मिलेगा। अभी आप लोग साइड प्रोफाइल से देखिए, सीरियसली अगर आप इस मोटरसाइकिल क्लोजली जाके देखेंगे आपको दिल इस मोटरसाइकिल में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है और काफ़ी ज़्यादा मस्त दिखती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैवी ड्यूटी, एक रॉयल एनफील्ड की बात ही अलग है। और दोस्तों, अगर आप सभी को रॉयल एनफील्ड पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक रॉयल बाइक है। और आप लोग देखिए ना, इस मोटरसाइकिल को कंपेयर करने किसी और मोटरसाइकिल से, तो यही मुझे लगता है कि ऐसी मोटरसाइकिल जिसमें आपको पूरा मेटल का पार्ट्स मिलता है, बाकी सारे जितने मोटरसाइकिल देखेंगे सब में आपको प्लास्टिक का पार्ट्स मिलेगा। और रॉयल एनफील्ड की बात ही अलग है, जब उसमें चलाते हैं, बैठते हैं तो एक शान ही आपको अलग से महसूस होता है, यही बात है। तभी आप लोग देखते हैं रॉयल एनफील्ड का कोई सा मॉडल देखिए, अभी भी रॉयल एनफील्ड काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड एक मोटरसाइकिल है। अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पर आपको जैसे बताया कि ये मोटरसाइकिल में भी आपको डुअल चेन एम्बिस देखने मिलता है, और सारा फंक्शनलिटी आपको जो BS4 में था वो सेम टू सेम यहाँ पे देखने मिलेगा। और आप लोग साइड मिरर भी देख सकते हैं, यहाँ पे साइड मिरर किस तरह से प्लेसमेंट किया गया है। ऊपर में जो फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है, उसके बीच में 2 स्ट्रिप्स गई हुई हैं, और बेसिकली आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसका जो फ्यूल टैंक के ऊपर हाईलाइट किया गया, मतलब बेसिकली 2 स्ट्रिप्स डाले हुए हैं, जो कि साइड से भी दिखती है और ऊपर से भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर पीछे के टूल बॉक्स में देखें तो यहाँ पर किस तरह से रॉयल एनफील्ड 350 लिखा हुआ है। अगर हम बात करें स्टेल्थ ब्लैक कलर के बारे में, जो प्योर स्टेल्थ ब्लैक
सेंटर रहता था वो आपको रॉयल एनफील्ड की 500 cc में आता था ये, लेकिन अब जाके आपको 350 cc में भी इस तरह का कलर ऑप्शन देखने मिलेगा। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसकी जो सीट है, ओवरऑल टैंक है, डिज़ाइन है, किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, और मतलब ये कम्प्लीटली ब्लैक है। और इसका एक और कलर भी आपको इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इसका जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको इसका क्रोम वाला वर्जन भी दिखाऊंगा, वो भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर मेरे पर्सनल ड्रेस के बारे में बात करें तो क्रोम वाला कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो कि आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखने पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीछे का अगर हम टायर के साइज़ के बारे में बात करें तो फ्रंट का जो टायर आपका 90x90 का टायर है, जो रियर टायर है वो यहाँ पर आपको 120 सेगमेंट का रियर टायर देखने मिलेगा। और पीछे का जो टेल सेक्शन है वो कम्प्लीटली एज इट इज़ आपके BS4 वेरियंट में, मतलब जैसे BS4 वेरियंट में आपको टायर था और पीछे का जो लुक था वो अभी भी आपको सेम टू सेम एज इट इज़ ही देखने मिलेगा। लेकिन आप लोग बाइक का लुक देखिए, ब्लैक कलर का जो शाइनी पन आ रहा है, इसमें जो क्लियरेंस आ रही है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे का टेल सेक्शन में देख सकते किस तरह से रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, इसका नाम ही रॉयल एनफील्ड और गाड़ी खुद ही ये एक रॉयल गाड़ी है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं अब ये अप टू डेट फीचर्स के साथ आ रही, जो बहुत सारे कंप्लेंट्स करते थे कि गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है। तो अब लीजिए, अब आपको 350 cc में आपको BS6 वाला इंजन देखने मिल रहा है, और जिसमें आपको ट्यूबलेस टायर हो गया, अलॉय व्हील हो गया, काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे सेंसर्स वगैरह आपको इसमें मिलेगी। साथ ही साथ इसमें डुअल चैनल ABS भी है, तो सेफ्टी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी ये मोटरसाइकिल है। मतलब आप देखा जाएगा तो ये कंप्लीट ब्लैक पैकेज हो गया, एक बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल। अगर आपको दमदार मोटरसाइकिल चाहिए तो डेफिनेटली आप सभी लोग एक बार रॉयल एनफील्ड की ये मोटरसाइकिल का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनाई है और लोगों का मतलब बहुत सारे लोग इसको चलाते भी हैं। और आप सबको पता होगा रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल किस तरह से होती है, हालांकि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हर मोटरसाइकिल के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक के अलावा अगर आप इस मोटरसाइकिल का फ़ायदा देखें तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा यहाँ पे नजर आएगा। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये 2020 की BS6 रॉयल एनफील्ड 350 cc, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ आप लोग का मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को लगभग सारी इस मोटरसाइकिल में जानकारी दे दिया है, और मैं बहुत जल्दी इसका एक राइड वाला वीडियो भी आप सभी लोग के लिए लेके आऊँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस है रॉयल एनफील्ड के ऊपर, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। सो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने हैं और मॉडिफिकेशन के ऊपर और भी वीडियोज़ देखने हैं, तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल विजिट करिए, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वीडियोज़ डालता हूँ और मॉडिफिकेशन के ऊपर भी आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।